दोस्तों, अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर प्रोजेक्ट वगैरह का ज़्यादा काम करते हैं और एक ऐसे टूल की तलाश में हैं जो आपके लिए हेल्पिंग हैंड का काम करे, तो ये टूल आपके लिए हेल्पिंग हैंड का ही काम करेगा। इस टूल का नाम है 5-in-1 हेल्पिंग हैंड। ये हॉकी कंपनी का है। इसके अंदर 5 चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाते समय या फिर रिपेयरिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पहले बाहर लिखा हुआ है ऐसे, बिग लेंस, स्मॉल लेंस, एलईडी लैम्प, पीसीबी होल्डर एंड आयरन होल्डर। और एलईडी लैम्प वो ये चीज़ इसमें दी गई है, तो देखते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से इसको असेंबल किया जाएगा या फिर इसको किस तरीके से जोड़ा जाएगा और इसका यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर स्टूल को परचेज करना चाहते हैं ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये आपको 2 लेंस इसके अंदर मिल रहे हैं और यहाँ पर 2 एलईडी लाइट्स मिल रही है, काफ़ी फोकस हो सकता है इस पर। अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा पूरा डेमो इसका। ये इसका पावर बटन है एलईडी लाइट का, इसके अंदर आप सेल लगा सकते हैं, सेल इसमें लगने हैं 3, मे बी इसमें ट्रिपल ए वाले सेल लगेंगे, देखते हैं। पहले लाइट ही चेक करते हैं सबसे पहले। ये देखिए 2 एलईडी लाइट्स इसमें फोकस वाली है। चलिए इसको हम करते हैं क्लोज और इसमें सभी चीज़ें जोड़ना आपको बताता हूँ। कभी कभी मुझे भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पिंग हैंड का काम करेगा टूल। तो यहाँ पर इसमें यूजर मैनुअल है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं है। जोड़ना जो है मैंने भी सीखना पड़ेगा, यूजर मैनुअल पे सारा स्टेप्स यहाँ पर बताया रहेगा। चलिए इसको जोड़ने का तरीका आपको बताता हूँ। तो कुछ देर मैंने इसको डायग्राम को देखा और समझने की कोशिश करी, क्योंकि बिना समझे हमें भी इसको जोड़ना नहीं आता है, क्योंकि हमारे लिए भी ये चीज़ नहीं है। इसको इस तरीके से लगाया जाएगा, ये तो काफ़ी सिंपल है। पहले इसको थोड़ा सा, इसको लास्ट में हम लगाएंगे, पहले अदर चीज़ें बताते हैं आपको। तो ये जो चीज़ लगनी है, ये लगनी है इस तरीके से, और इसमें जो ये बने हुए आपके चिमटियाँ मिल रही हैं, इनको इस तरीके से और इस तरीके से इसमें लगाया जाएगा, इसमें खांच में। ये देखिए, बड़ा ही सिंपल ट्रिक है, बट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये देखिए, इस तरीके से लग जाएगा। ये देखिए, तो फाइनली यहाँ पर ये लग चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अटैच होएगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर रख लेते हैं। देखिए, इसको कस लीजिए सही से, और यहाँ पर इधर पे ये आ जाएगा, यहाँ पर भी खांच बना हुआ है ताकि ये खिसके ना। तो ये देखिए, आसानी से यहाँ पर अटैच हो गया है। अब यहाँ पर बात करें चिमटी की, तो चिमटी इस तरीके से आ जाएंगी, और चिमटी लगाने का भी जो तरीका है वो इस तरीके से इसमें आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ सकती है आपको, यहाँ पर ये लग चुका है। और ये जो ऊपर नीचे रिपीटर है, इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, तो जितना आप कसेंगे उस तरीके से आपका ये और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने इस चिमटी को भी इस पर लगा लेना है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था, बट डायग्राम देख के अब थोड़ा सा मुझे इजी लगने लगा है, काम हो जाएगा फिर। ये देखिए, हो गया ये काम। ये देखिए, इजीली हो गया फिट। अब जो ये ऊपर नीचे इस तरीके से हो रहा है, इसको प्लायर की मदद से पहले कस लेता हूँ। तो चलिए, फाइनली पूरी अच्छी तरीके से असेंबल हो चुका है। अब इसको लगा देते हैं हम इधर पे। आप इधर पे आयरन को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं।
एंड यहाँ पर मैं आपको लाइटों को ऑन करता हूँ और एक पीसीबी दिखाता हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा, ग्लास को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पीसीबी को हमने यहाँ पर इस पर काम करना है सपोज, तो इस तरीके से यहाँ पर और इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा है, और इस तरीके से आप यहाँ पर जितना चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से ग्लास और ये जितना आपको चाहिए, ये छोटा वाला लेंस है, ये बड़ा वाला लेंस है, तो जैसे आपको काम करना रहेगा। एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैमरा को मैंने एडजस्ट कर लिया है, तो इस तरीके से ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए ग्लास पे इजीली काम कर पाएंगे। अगर मैं आयरन इस तरीके से लगाऊं, देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर कितनी बड़ी दिख रही है, इस तरीके से इजीली हम काम कर सकते हैं। अगर लाइट इसकी ऑफ करूँ तो देखिए काफ़ी मतलब सही लाइट इसमें दी गई है। तो ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर।